शांति। संसार के अंदर यदि पूर्ण रूप से सत्य कोई है या जिसकी हस्ती अविनाशी रूप से सत्य है, सदा कल्याणकारी है और जो सदैव ही गुणों से, शक्तियों से और सर्व प्रकार से जो सुंदर है, तो वह है एक परम प्रिय परमपिता परमात्मा। जिस परमपिता परमात्मा को ईश्वर, अल्लाह, खुदा, भगवान अनेकानेक अपनी अपनी भाषा में नाम दे करके और उसे पुकारते हैं और कहते भी हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम। तो जो सत्यम शिवम सुंदरम है, जो आत्माएं उनके समीप होती हैं, उनके लक्षण भी उनके समान होते हैं और जो आत्माएं उनके समीप नहीं होती, उनके लक्षणों में हमें अंतर दिखाई पड़ता है। तो आज हम एक ऐसे अवगुण की बात करेंगे और एक ऐसे गुण की बात करेंगे जो कि मनुष्य जीवन के अंदर कईयों को तो प्रतिपल वह अवगुण सताता है और यदि वह अवगुण नहीं है और उसके विरुद्ध में जो गुण हैं वह जिसके अंदर हैं वो सदा सुखदायी रहते हैं। मैं उस गुण की बात कर रही हूँ और उस अवगुण की बात कर रही हूँ जो प्रभु के संग में रहने वालों के अंदर होता है और जो प्रभु के संग में नहीं रहते उनके अंदर होता है, परंतु नंबरवार ही होता है, क्योंकि प्रभु के संग में संपूर्ण रूप से ना कोई रहता है और ना ही कोई संपूर्ण रूप से उससे अलग भी होते हैं या दूर भी होते हैं। तो मैं उस अवगुण की आज बात करूंगी जिसको कहते हैं जिद्दी स्वभाव। जिद्द, जिद्द क्या होती है और जिद्दी कैसे होते हैं? जिद्द का बड़ा सरल अर्थ जो प्रभु ने हमें समझाया है, जिसका ज्ञान दिया है, वह है कि जिद्द अर्थात मन मत पर स्वयं को चलाना। जिद्द अर्थात श्री मत पर स्वयं को ना चलाना। अब हम स्वयं आत्मा हैं, आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों के साथ स्व को चलाती है, चलती है, परंतु स्व आत्मा अर्थात मैं स्वयं जब कर्मेंद्रियों पर निर्भर हो जाती हूँ या फिर कर्मेंद्रियां स्व के ऊपर निर्भर होती हैं, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? और फिर वह कर्मेंद्रियां और मैं स्वयं किस पर निर्भर हूँ? जब हम दोनों प्रकार से किसी पर निर्भर हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? तो स्व आत्मा और कर्मेंद्रियां दोनों मिलाकर है जीवात्मा। जब जीवात्मा उस परम पिता परमात्मा की आज्ञा अनुसार श्री मत के प्रमाण या फिर जिनको गुण कहा जाता है उन गुणों के वशीभूत यदि वह अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करवाती है या फिर अपने सूक्ष्म स्वभाव, संस्कार, अपनी भावनाएं या फिर उन भावनाओं का प्रभाव डालने के लिए वाइब्रेशंस वाइब्रेट करना, यानी अपनी तरंगों को फैलाना, परंतु वो कौन सी तरंगे? तरंगे दो प्रकार की हैं,
स्वभाव भी दो प्रकार से, सोचना भी हमारा दो प्रकार से, और संस्कार भी हमारे दो प्रकार से, या हमारे मनमत के संस्कार या श्रीमत के संस्कार, या हमारा मनमत वाला स्वभाव या फिर हमारा श्रीमत वाला स्वभाव, या हमारी मनमत की भावनाएं जो अनेक जन्मों के संस्कारों पर आधारित हैं, या फिर हमारी श्रीमत पर आधारित ज्ञान युक्त, समझदारी युक्त और भावनाओं से किसी का भी कल्याण करने के संस्कार की भावनाएं, तो इन सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही रीति से हमें इस जिद के स्वभाव के ऊपर सोचना है, जानना है, जानने के बाद उस पर समझदार समझना है, समझने के पश्चात अपने स्वभाव का, अपनी भावनाओं का और अपने संस्कारों का ऐसा परिवर्तन करना है जो संस्कार, जो कर्म कराने के लिए सक्षम हो जाते हैं, तो वो संस्कार कर्मेंद्रियों से वही कर्म कराए जो जिद के आधार पर ना हो, जिद पर निर्भर ना हो। कैसे? हम मिसाल के रूप में देखें तो पहले हमें मन के अंदर संकल्प चलता है, एक विचार आता है। वह विचार दो प्रकार के होते हैं, अच्छे भी होते बुरे भी होते, नेगेटिव भी होता पॉजिटिव भी होता, सकारात्मक होता नकारात्मक होता, कल्याणकारी होता अकल्याणकारी, शुभ होता अशुभ भी होता, प्राप्ति वाला भी होता तो नुकसान करने वाला भी होता। परंतु मुझे क्या करना है? मुझे यदि सकारात्मक संकल्प आया कि मुझे कर्मेंद्रियों के द्वारा या फिर मेरे जीवन के अंदर मुझे स्वयं के लिए पर्सनली व्यक्तिगत या परिवार के लिए या फिर समाज के लिए या राज्य के लिए या देश के लिए मुझे ये कर्म करना है, अब देश के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, हम इन बातों को अभी किनारे रखें, परंतु व्यक्तिगत और मेरे परिवार के लिए, जब हम उनसे जुड़े हुए हैं जन्म से लेकर अंतिम घड़ियों तक, तो इसीलिए हम उतना अभी सोचेंगे। अब व्यक्तिगत मुझे संकल्प चला, एक विचार आया कि परिवार के अंदर हरेक को किसी एक का कहना मानना चाहिए, यदि हमें परिवार की व्यवस्था बनाए रखनी है तो, क्योंकि व्यवस्था बनी हुई होगी, एक के कहने पर यदि सब चलेंगे तो जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलेगा, व्यवस्थित चलेगा, और उस सुचारुता में और उस व्यवस्था में कोई दुख नहीं होगा, कोई अशांति नहीं होगी, और किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं होगी, कभी भी कोई भी उलझन की या मोंझ की परिस्थिति निर्माण नहीं होगी। हाँ, वो परिस्थिति जब उस चलाने वाली मुख्य प्रतिभा को या व्यक्ति का कहना न मानने को मन करे, और वो तब करेगा जब संस्कारों के अनुरूप वो बात न होगी। परंतु हम जिसको मुख्य बनाते हैं वह मुख्य के ऊपर हमारा यह एक विश्वास होता है, भरोसा होता है, हम उसके लिए निश्चयात्मक होते हैं कि वह हमें जो कहेंगी, जो हमसे कराएंगी, वो योग्य कहेंगी, योग्य कराएंगी, और हमारे भलाई के लिए ही होगा। जैसे माता पिता,
माता पिता परिवार के अंदर मुख्य माने जाते हैं। जैसे मन बुद्धि संस्कार में बुद्धि मुख्य मानी जाती है। यदि बुद्धि के निर्णय पर मन चलता है, यदि बुद्धि के निर्णय पर संस्कार सकारात्मक निर्णय के साथ कर्म करती है, तो हमारे कर्मों के अंदर कोई गड़बड़ कभी नहीं होती, ना कोई भूल होती, ना कोई छोटा बड़ा पाप होता। परंतु यदि उस मुख्य के अंदर हमने संशय रखा या फिर हमने उसमें अविश्वास किया या फिर हमने उनके कहने में संशय लाया कि मेरा भला नहीं हो रहा है, इनके सोचने में, इनके निर्णय में, इनका मेरे से कर्म कराने में, जब तक निर्णय बराबर है तब तक वह विश्वास पात्र मुख्य व्यक्ति का कहना हम मानते हैं। परंतु अब बात आती है जिद की। जब हम अपनी इच्छा, अपना स्वार्थ और अपनी मन मत या फिर हमारी एक महत्वाकांक्षा, क्या कि मैं जो कहूं वही होवे, मैं जो करूं वही राइट, मेरी ये महत्वाकांक्षा उसको सभी को पूरा करने के लिए हर एक को करना ही है, उनको स्वतंत्रता नहीं कि करे या न करे, परंतु हर एक को मेरी जो इच्छा उठी है, मेरे को जो महत्वाकांक्षा है वो पूरा करने करना हर एक को जरूरी है। तो क्या सिद्ध हुआ कि जिद्दी स्वभाव वाली व्यक्ति एक तो सत्य के समीप नहीं रहती। जो सत्य के समीप होता वह स्वयं भी स्वतंत्र मिजाजी रहता। स्वतंत्रता अर्थात स्वच्छंदी नहीं, नियम कायदे मर्यादा में रहकर और अपने तंत्र को चलाने वाले को कहते हैं स्वतंत्र। तो उसका तंत्र स्व का बराबर योग्य निर्णयात्मक और क्रियात्मक और सफलता के साथ विजयी रहता है। परंतु जिद्दी स्वभाव वाला जो मुख्य को सत्य न मानकर उनके अस्तित्व की सच्चाई के लिए जो विश्वास रखा हुआ है, उस विश्वास में विश्वास न रखकर, लेकिन मैं जो कहूं, मैं जो सोचूं, मैं जो करूं वही राइट है, वही सत्य है, फिर भले वो झूठ भी हो, परंतु वह अपनी जिद से वो झूठ को भी क्या करेगा, क्या समझेगा कि वही सत्य है, वही सच है, और वही झूठ को सच करने के यत्न में वो रहेगा। और यही कारण है कि वह अपनी बात को मनवाने के लिए जो उसको विचार आया, जो उसकी बुद्धि ने निर्णय दिया, जो उसकी स्वार्थ वृत्ति ने संस्कारों को प्रेरित किया कर्म करने के लिए, उस बात को प्राप्त करने के लिए, उसमें विजयी होने के लिए वह अपने मन को, अपने स्वभाव को जिद पर लाता है। अर्थात वह बात सकारात्मक नहीं, नकारात्मक है, और नकारात्मकता को ही सिद्ध करने वाला, नकारात्मकता को ही मानने वाला, नकारात्मकता को ही मनाने वाला और नकारात्मक कर्म ही कराने वाले को जिद्दी कहते हैं।
तो वो जिद्दी स्वभाव वाली व्यक्ति क्या करती है, वह सामने वाली व्यक्ति से, साथी से, संगी से यही आशा रखती है, यही उसकी अपेक्षा होती है। सिर्फ अपेक्षा नहीं, परंतु उसकी यह जिद होती है कि मैं जो कहूं वह उसको करना ही है, और यदि उसने नहीं किया तो वह अपने शस्त्र उठाती है। तो वो जिद्दी के शस्त्र क्या हैं? जिद्दी व्यक्ति सामने वाली व्यक्ति को अपनी बात मनवाने के लिए पहले तो ज्ञान का, नॉलेज का, जो उसके पास है उसका वो सहारा लेती है। लेकिन जिद खुद ही स्वयं में नकारात्मक होने के कारण जो भी ज्ञान का सहारा लिया जाता है वह ज्ञान का शस्त्र कामयाब नहीं होता। फिर वह दूसरा शस्त्र आजमाइश करती है कि समझदारी, जो समझदारी उसके पास है। अब जिद्दी व्यक्ति के पास समझदारी भी कैसी होगी उस समय? जिद्द की माना मन मत की, गलत सामने वाली व्यक्ति को जबरदस्ती कराने वाली, उसकी स्वतंत्रता को खत्म करने वाली, तो स्वाभाविक ही वहां भी वह शस्त्र उसका काम में नहीं आता। फिर वह तीसरा शस्त्र उठाती और वह शस्त्र है उसका डिस्कशन करना, वाद विवाद में लाना उसको। वह व्यक्ति नहीं मानेगी, जब वो नहीं मानेगी तो वह एक दलील, दूसरी दलील, तीसरी दलील, हर प्रकार से अपना जोर आजमाने की कोशिश करेगी। जिन शस्त्रों का सहारा लिया, जो शस्त्र फेल हुए, उन शस्त्रों को भी फिर से चमकाकर, उसकी धार बनाकर, सभी शस्त्रों को इकट्ठा करके और वह उस व्यक्ति को मनवाने की कोशिश में रहेगी। फिर जब वह भी नहीं होता, वहां भी जब फेल हो जाती, फिर वह क्या करती? अंतिम शस्त्र अपना उठाती, जो उसके मन को वश किए हुए है। और मन उसका किसके वश है? मन उसका वश है किसी न किसी विषय या विकार के। अब विषयी मन, विषयी आशा, विषयी इच्छा, विषयी कामना, वो कैसी होगी? पूर्ण रूप से नकारात्मक। अब नकारात्मक इच्छा जब पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? इच्छा पूरा न होना, गीता में भी कहा है कामेषु क्रोधेषु। जब कामना कोई पूरी नहीं होती तो आत्मा को गुस्सा आता है, क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विवेक नष्ट होता है। तो क्रोध पूर्ण उनका व्यवहार होता है और वो क्रोध पूर्ण व्यवहार का अंतिम सहारा लेकर वह व्यक्ति गुस्से में, उस गुस्से भरी वृत्ति के साथ उस व्यक्ति को देखती है। आप समझ सकते हो, जब कोई क्रोध के वश देखता है तो कैसे देखता है? क्या वह व्यक्ति तभी प्रिय लगती है? नहीं लगती। क्या ऐसे क्रोध में काम कराने वाले से कोई देख करके उसके क्रोध को काम करता है? करता है, जरूर करता है।
परंतु डर डर के करता है। और वह डर जो अविनाशी नहीं, क्योंकि आत्मा निर्भय संस्कारों वाली है, असल में वो निर्भय है, इसीलिए वो भय की बात उसकी टिकती नहीं, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी वो डर उसका समाप्त होता ही है। और जब वो डर समाप्त होता है तब उस क्रोधी व्यक्ति के ऊपर वो निर्भय व्यक्ति का वार होता है शांति का, और वह शांति का शस्त्र उस पर विजयी होता। परंतु जिद्दी व्यक्ति क्रोधी क्रोध करती, क्रोध के पश्चात उसका क्रोध जब विजयी नहीं होता तो उसके बोल निकलने शुरू होते और बोल की मर्यादा टूटती, अर्थात गुस्से भरे बोल में कुछ भी अनाप शनाप वो बोलती और काफी समय वो बोलती रहती, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं बोल बोल करना या बड़बड़ करना। जब वह शस्त्र भी काम नहीं आता फिर वह व्यक्ति क्या करती, अपने संस्कारों का शस्त्र नकारात्मक उठा करके उनको धमकियां देना चालू करती। अगर नहीं माना तो ये कर देंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा वो होगा। इन सभी से मुक्त होने के लिए जिद्दी स्वभाव वाली व्यक्ति को यदि अपनी जिद से मुक्त होना है तो शिव बाबा कहते हैं कि हे आत्मा, तू मेरी संतान है, तू शांति के सागर की संतान, शांत चित्त हो, इसलिए तेरी निर्णय शक्ति जो है वो यथार्थ काम करती है। अतः जब तुम्हें अपनी नकारात्मक बात किसी से मनवानी है तब तू शांत चित्त की स्थिति में, अर्थात शांति के स्वधर्म में स्वयं को एक मिनट के लिए भी तू स्थित कर, शांति के सागर मुझ पिता को याद कर, फिर शांति के स्वधर्म में शांत हो करके फिर उस व्यक्ति को अपनी बात श्रीमत के आधार पर प्रभु हो तो क्या कहे, या दिव्य गुणधारी व्यक्ति हो तो कैसे कहे क्या कहे, वैसे कर्म कर, और फिर वह कर्म का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट को तू देख। अर्थात जिद सिद्ध करने नहीं देती स्वयं के उच्च संस्कारों को, तो सिद्ध करने वाला जिद्दी कहलाता है। अतः कभी भी किसी भी कर्म की गलती पर कोई अंगुली निर्देश करे तो कभी भी सिद्ध करने की कोशिश न करें, परंतु हम शांत रहें, जो उसने कहा उस पर हम एकांत में अवश्य सोचें, अधीर्य हो करके तुरंत जवाब न दें या फिर दलील न करें या फिर उनको गलत न कहें, परंतु हम स्वयं को सिद्धि स्वरूप बनाएं, अर्थात विधि पूर्वक श्रीमत पर कर्म करें और जिद को जानें, समझें, महसूस करें और परिवर्तन करके अपने स्वभाव को और अपने संस्कार का परिवर्तन कर प्रत्येक के प्रति शुभ भावना रखते हुए फिर अपनी कामना को पूर्ण कराने का और करने का यत्न करें। ओम शांति।